एक दूजे के वास्ते। वीर ऐसे मत करो वरना चाची ने हम दोनों को डांट लगानी है। मम्मी देखो ना वीर को कब से परेशान कर रहा है, जरा बुला के डांट तो लगाना इसको। अच्छा आज दिवाली के दिन मैं अपने बच्चे को डांटू? बिल्कुल भी नहीं। वाह मेरे हैंडसम चाचू, वाह वाह यार तुम बच्चे भी ना बस। हाँ अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे चाचू, पर आज भी है ना मुझे टक्कर नहीं दे सकते। आपकी बात ही क्या है? अरे तू भी तो तैयार नहीं हो, चल तुझे तैयार करती हूँ। सुमन कंचन तुम दोनों में से कोई भी एक जाके दिए लगा दो। चल फिर अंदर तैयार कर दूं तुझे। चल कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। हाँ जी चाचू। अच्छा मैं जाके करती हूँ, तू तब तक ये सब कंप्लीट कर ले, फिर बाहर वाले दरवाजे पर भी रंगोली बनानी। ओके हाँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। काफी सुंदर है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली शुभ। हम सबकी दिवाली शुभ हो। और आपकी नारियल बर्फी तो आज दिवाली शुभ बना ही देगी। तो भाई है कहाँ हमारी बर्फी? किचन से लेके आते। चलो खाएं। आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ वो चाचा चाची को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है शम। और तुम्हें खुश देखकर मुझे। वैसे आजकल तुम अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद रखते हो, दिवाली है आज एक दिन तो खोल सकते हो। अगर बाय चांस तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के आना, तुम पे सूट करता है। सोफी आज सबसे ज्यादा टाइम तो तुम्हें ही लग रहा है। सो गाइस टेल मी कैसी लग रही हूं मैं? वाओ बहुत अच्छी लग रही हूं सीरियसली। मम्मी चल ना तेरे भाई को अपने न्यू लुक से शॉक भी तो करना है। वैसे सुनना ये ठीक लग रहा है ना, आई मीन इट्स नॉट ओटीटी। बहुत अच्छी लग रही हो, मेरा तो मन हो रहा है आंटी की तरह तुम्हारी मलाई ले लूं। अब चलो। थैंक्स यार। चल चलो भाई, पूजा तो बहुत अच्छी हो गई, बस अब लक्ष्मी माँ हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे तो सब अच्छा हो जाए। अब ये बताओ कि खाने का क्या प्लान है? त्योहार के दिन तवा नहीं लगाते हैं, पूरी छान लेते हैं। आज के दिन भी किचन में घुसे रहोगे डमरू? सुनिए जी एक काम करते हैं, आज बाहर से खाना मंगवा ले। अब जैसे तो। और हाँ मम्मा ढेर सारे चॉकलेट्स भी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आंटी एक्चुअली शादी में कुछ ही दिन बचे थे तो वी थॉट लेट्स जस्ट हैव अ दिवाली डिनर पार्टी, तो आप सबको आना है। आई हैव कम टू इनवाइट यू ऑल एंड नो एक्सक्यूजेस। वैसे वहां पे आपको एक और फैमिलियर फेस दिखेगा। कौन? विक्रम। अच्छा यस ही इज आल्सो कमिंग। डमरू सबको प्रसाद दे दो। ये लो। हम जरूर आएंगे। So, Mr. Captain, any comments?
ब्यूटीफुल। प्रसाद तारीफ करने में कितने कंजूस हो तुम, बस एक ठंडा सा ब्यूटीफुल बोला एंड यू डन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ बोलोगे। हाउ बोरिंग आश्रवा, कम से कम एक हग ही दे देते। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? प्यार से चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ा जाता भैया। तारीफ करने में कंजूस हो पर हग्स बहुत अच्छी देते हो। सुमन तुम रहने दो, तुम्हारे पाँव में चोट लगी ना, ये मैं कर लूंगा। अब वैसे तुमने जो आज वहां पहले कहा कि बटन के बारे में, वो पहले की तरह झूठ था है या? तुम्हें कब झूठ लगा, पहले या अब? श्रवण जो कुछ भी मैंने कहा वो ना पहले झूठ था ना अब। जब तुम वाकई ओपन कॉलर में बहुत अच्छे लगते हो तो मैं तुमसे झूठ कहूंगी क्यों? फिर तो थैंक्स। और गाइस क्या चल रहा है? अच्छा दिए जला जा रहे हैं। इसे क्या हुआ? तू रुक मैं देखती हूँ। हाँ हाँ सोफी, एक हफ्ते बाद जा रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे याद नहीं रहा यार बताना तो। अच्छा सुमन विक्रम अवनी, इनको बताना तो दिमाग से नहीं निकला ना। वेट लेट मी गेस, वो लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड व्हाट अबाउट मी, डू आई इवन मीन एनीथिंग टू यू? और मुझे लगा हमारे बीच कोई स्पेशल वाइब थी। थी नहीं, है। हमारे बीच स्पेशल वाइब है। तुम इतनी रिलैक्स्ड और चिल्ड आउट हो कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गए सोफी।
पर एक बात सच कहूं, तुम्हारे लिए मेरा इंटेंशन हमेशा से सिर्फ दोस्ती तक ही था। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ही दिमाग खराब है। मतलब ये कि सोफी की मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि परमानेंटली खराब है। मैं हर बार खुद को तैयार करता हूं कि इस बार चाहे जो हो जाए मैं सब ठीक कर दूंगा, पर लास्ट मिनट में सब टाइट है फेस, कुछ ठीक नहीं कर पाता मैं। तुम्हारे साथ मुझे एहसास हुआ सोफी कि मेरे लिए अब किसी और से प्यार करना इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच सोफी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। तुमने एक्चुअली बहुत अच्छी हो, कभी किसी को जज नहीं करती। शायद इसीलिए मैं इस बात को समझ पाया, वरना मैं तो यूं ही भटकता रहता। सोफी, तुमने आज तक मुझे समझा, बस एक लास्ट टाइम मेरा यकीन करो। मैंने जानबूझ के तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। आज तक लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया सोफी, पर तुम्हारे जैसे दोस्त कभी खोना नहीं चाहूंगा मैं। थैंक यू श्रवण कि तुमने सब कुछ सच बता दिया। वैसे मैं बहुत ज्यादा कूल हूं, पर कभी कभी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट गॉड हेल्प यू, सच बोलने वाले ब्रेव फौजी। हाँ अच्छा, टेल मी वन थिंग, वैसे उस वजह का नाम क्या है जिस वजह से तुम्हें प्यार करना इतना मुश्किल लगता है? आई एम श्योर शी मस्ट हैव अ नेम। अगर मैं कहूं कि तुम बिल्कुल बेकार की बातें सोच रही हो तो इससे हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेगी ना? No chance, मिस्टर। अब तुम फंस गए हो इस दोस्ती में। आई थिंक अब हम फ्रेंड्स को नीचे जाना चाहिए एंड हैव सम फन। ग्रेट आइडिया, चले चलते हैं। तुम चलो, मैं बस आई। ठीक है, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। Sure. Bye. जो सबके साथ हंस रहा है, नाच रहा है, वो सिर्फ एक चेहरा, एक झूठ है जो श्रवण सबको दिखा रहा है। उसके मन में क्या है वो यहाँ कोई नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा कि असल में श्रवण किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटता, कि कितना अकेला है ये श्रवण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.